स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 सीबीएसई का एक लेसन जो इंग्लिश लिटरेचर का है को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। और ये लेसन लिया गया है फर्स्ट फ्लाइट बुक से और लेसन का नाम है मैडम राइड्स द बस। ये स्टोरी मूल रूप से तमिल भाषा में लिखी गई थी और इसको ट्रांसलेट किया गया है के एस सुंदरम के द्वारा और इस बुक में लिखा गया है आर के लक्ष्मण के द्वारा। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें और आप वीडियो में क्या कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल पेंस टेकिंग इलेबोरेट प्लान्स सी हैड टू मेक फॉर इट। उसकी पहली यात्रा कितनी सावधानीपूर्ण थी, कितनी कष्टप्रद थी और कितनी विस्तृत योजना की गई थी उसके द्वारा। इसके लिए मतलब पहली यात्रा के लिए जो उसने योजना बनाई थी, वली ने जो योजना बनाई थी वो बहुत ही सावधानी से बनाई थी और बहुत ही कष्ट के साथ बनाई थी। काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा था और काफ़ी विस्तृत योजना बनाई थी। सी हैड 35 saved whatever stray coins came her way। उसने बहुत ही सावधानी से पैसों को, कुछ सिक्कों को बचाया था जो उसके पास कहीं से आ जाते थे। Resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, एंड फाइनली सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे। रजिस्ट्रेटिंग हर टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, पेपरमिंट खरीदने का जो लालसा थी उससे उसने अपने आप को रोका, खिलौने खरीदने से अपने आप को रोका, बलून्स खरीदने से अपने आप को रोका और इस तरह की दूसरी चीज़ों से भी अपने आप को रोका। और फिर अंततः उसने कुल 60 पैसे जमा कर लिए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पार्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। और उस खास दिन यह कितना मुश्किल था जब गांव में मेला लगा हुआ था। बट सी हैड रिजोल्यूटली स्टिफलेड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड इवन दो सी हैड द मनी। लेकिन उसने बहुत ही दृढ़तापूर्वक अपने को नियंत्रित किया, अपनी उस तीव्र इच्छा को जो मेरी गो राउंड पे बैठने की थी। मेले में एक झूला लगा था जिसपे बैठने की उसकी काफ़ी इच्छा थी, पर इसने बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने आप को, बहुत ही दृढ़ इच्छा के साथ अपने आप को नियंत्रित किया। इवन दो सी हैड द मनी, जब तक उसके पास पैसे थे फिर भी उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से रोका। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब वह काफ़ी पैसे बचा चुकी थी, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब उसकी जो दूसरी समस्या थी वह यह थी कि वह घर से कैसे सरके, घर से कैसे निकले बिना अपनी माँ के जानकारी के। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने इसका भी इंतजाम कर लिया, इसको भी मैनेज कर लिया ज़्यादा मुश्किलों के बिना ज़्यादा मुश्किल के ही इसने इसको भी मैनेज किया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर्स वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 आर सो। हर दिन लंच के बाद उसकी माँ 1 से 4 बजे तक झपकी लेती थी, सोती थी। वली ऑलवेज यूज दिस आवर फॉर हर एक्सकर्सन। वली हमेशा ही इस समय का प्रयोग करती थी अपने मनोरंजन के लिए। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे फॉर हर हाउस और समटाइम इवन वेंचर्ड आउट इन टू द विलेज। जैसा कि वो कभी कभी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और बाहर की तरफ देखती थी, या कभी कभी बहुत ही सावधानी से और साहस के साथ
गांव में चली जाती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। आज उसका यह समय, ये घंटे उसके पहले मनोरंजन, पहले घर के बाहर के मनोरंजन में प्रयोग किए जाएंगे। गांव से बाहर जाने में जो मनोरंजन होगा उसमें यह समय प्रयोग किया जाएगा। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप। एक खाली भूभाग से क्रॉस करते हुए बस आगे बढ़ी। नाउ रसिंग दो ए टीनी हेमलेट आर पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप। और अब बस दौड़ रही थी छोटे छोटे गांव से होते हुए या फिर कुछ छोटे छोटे दुकानों के किनारे से बाहर से। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल्स दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम आर ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये जो बस है किसी दूसरी गाड़ी पर या पैदल चलने वाले पर चढ़ जाएगी जो दूसरी दिशा से बस की तरफ आ रहा होता था। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली। लेकिन कुछ भी हो, किसी भी तरह से यह बस बहुत ही आसानी से गुजर जाती थी। लिविंग आर ऑब्स्टिकल सेफली बिहाइंड। सभी मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए सभी परेशानियों को सेफली सुरक्षा के साथ पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती थी। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम बट देन स्टॉप एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। जो ट्रीज थे, पेड़ थे, वे बस की तरफ दौड़ते हुए आते थे और कुछ क्षण के लिए बस के पास बिल्कुल ही असहाय होकर रुक जाते थे और अगले ही क्षण बस के पीछे भागते हुए दिखते थे दूसरी दिशा में। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली। अचानक ही वली ने अपनी हाथों से तालियां बजाई बहुत ही प्रसन्नता के साथ। ए यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट। एक यंग काउ थी, एक नई गाय थी जो अपनी पूंछ को हवा में उठाए हुए थी और बहुत ही तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के दाहिने तरफ से बीच में। राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने दाहिनी तरफ। द बस स्लो टू ए क्रॉल, बस सरकते हुए थोड़ी सी धीरी हो गई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। और जो ड्राइवर था बस का, उसने हॉर्न को बहुत तेजी से बार बार बजाया। बट द मोर ही हॉन्ग्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलेप्ड। लेकिन ड्राइवर जितना ही ज़्यादा हॉर्न बजाता था, वह जानवर या वह गाय उतना ही ज़्यादा डर जाती थी और उतना ही तेज सरपट चाल से चलती थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा बस के सामने से ही। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली। कुछ भी हो, वली के लिए बहुत ही आनंददायक था, मनोरंजक था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज। वह हंसी और बार बार हंसी, तब तक हंसी जब तक कि उसकी आंखों में आंसू न आ गए। हे लेडी हैव नॉट यू लाफ्ड इनफ कॉल्ड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा, हे भली औरत, क्या तुम बहुत ज़्यादा नहीं हंस चुकी हो। बेटर सेव सम फॉर टुमारो। अच्छा होगा कि कुछ हंसी कल के लिए भी बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। और अंत में गाय रोड से दूर हट गई। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग। और जल्द ही बस एक
रेल रोड क्रॉसिंग पे आई जहाँ से एक ट्रेन को गुजरना था। ए स्पीक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। एक ट्रेन का चिन्ह था जो दिख रहा था कुछ दूरी पर और जो धीरे धीरे बड़े से बड़ा होता जा रहा था जैसे जैसे ट्रेन निकट आ रहा था। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विथ ए ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल। और तभी यह ट्रेन क्रॉसिंग गेट से गुजर गई काफी भयंकर गर्ज के साथ और खड़खड़ाहट के साथ, शेकिंग द बस और बस को हिलाते हुए। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन। और उसके बाद बस चल दी और ट्रेन स्टेशन से गुजर गई। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग इंटर्ड ए वाइड दो फेयर। इसके बाद इसने एक बहुत ही व्यस्त और काफी सुसज्जित दुकानों से पार हुई और घूमते हुए राजमार्ग पर जो काफी चौड़ा था में प्रवेश की। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, इतनी बड़ी चमकीली आकर्षक दुकानें, व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, कितना चमकदार कपड़े हैं और दूसरे बेचे जाने की वस्तुएं हैं। सच बिग क्राउड्स, इतनी ज़्यादा भीड़। स्ट्रक डम विथ वंडर, वली गैप एट एवरीथिंग। बली हर चीज को देख के अचंभित थी, निस्तब्ध थी। स्टक दम मतलब निस्तब्ध हो जाना। देन द बस स्टॉप एंड एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट बली। और तभी बस रुक जाती है और हर कोई उतर जाता है सिवाय वली के। हे लेडी, सेड द कंडक्टर। कंडक्टर ने कहा, हे भली औरत, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ? क्या तुम नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हो? दिस इज एज फॉर एज योर 30 पैसे टेक्स यू। यह उतनी दूरी हो चुकी है जितना तुमने पैसा दिया था, 30 पैसा जैसा तुमने दिया था उतनी दूरी तुम यात्रा कर चुकी हो। नो वली सेट, वली ने कहा, नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। मैं वापस जा रही हूँ इसी बस से। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द क्वाइंस टू द कंडक्टर। उसने अपने पॉकेट से दूसरे 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को दे दिया। वाई इज समथिंग द मैटर? क्यों, क्या कुछ बात है? क्या बात है बताओ। नो नथिंग द मैटर, को नहीं, कुछ भी बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल। मैं बस एक बस यात्रा करना चाहती थी, बस पे चढ़ना चाहती थी और कुछ नहीं। डू नॉट यू वॉन्ट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? क्या तुम इस साइट पर, इस जगह पर बाहर जाके देखना नहीं चाहोगी कि बाहर क्या कुछ है? ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई हैड बी मच टू अफ्रेड। ये सब मैं खुद करूं? नहीं, मैं तो बहुत डरी हुई हूं। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड। उस लड़की के कहने के तरीके से कंडक्टर काफी रोमांचित हुआ, आनंदित हुआ और कहा, बट यू वे आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। लेकिन क्या तुम बस में आने में डर नहीं डर रही थी? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी एंसर्ड। उसने जवाब दिया कि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं थी। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक? तो फिर तुम क्यों नहीं वहाँ जाती उस दुकान पर और कुछ पीती? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर। यहाँ पे डरने जैसा कुछ भी नहीं है। ओ नो, आई कुड नॉट डू दैट। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक। कोई बात नहीं है, तब फिर मुझे एक कोल्ड ड्रिंक लाने दो, तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। नो आई डू नॉट हैव इनफ मनी। नहीं, मुझे मैं नहीं, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। बस तुम मेरा टिकट दे दो और कुछ नहीं। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। ये मेरी तरफ से एक ट्रीट है, मेरी तरफ से एक
उपहार है और इसके लिए तुमसे कोई कीमत नहीं ली जाएगी। नो नो सी सेड फॉर्मली प्लीज नो। उसने बहुत ही ढीठ से कहा नहीं नहीं कृपया नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। कंडक्टर ने अपने कंधे को उचकाया, मतलब जैसी तुम्हारी इच्छा इस भाव से, और फिर उन लोगों ने इंतज़ार किया उस समय का जब तक कि बस वापस के लिए न चल दे। अगेन देयर वेयर नॉट मैनी पैसेंजर। और इस बार भी बस में ज़्यादा यात्री नहीं थे।